उधार एक जाल जैसा होता है, एक बार जो फंस जाता है वह आसानी से बाहर नहीं आ पाता है। कर्ज बच्चे की तरह होते हैं, खुशी से पैदा होते हैं लेकिन जब बड़े होते हैं तो दर्द देते हैं। अगर कोई जवानी में कर्ज लेता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर बुढ़ापे में कोई कर्ज लेता है तो लोग देने में संकोच करने लगते हैं। कर्ज तनावपूर्ण हो सकता है, यह किसी भी भावनाओं को कमजोर कर सकता है। लोग जब कर्ज लेते हैं तो अपनी स्वतंत्रता के गुलाम हो जाते हैं। चार चीजें जिनको आप जितना जानते हैं भी उनसे अधिक है, पाप, कर्ज, शत्रु और वर्ष। आदत की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वे इतनी भारी न हो कि उन्हें तोड़ा जा सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि आनंद से खरीदा जा रहा है, जबकि वास्तव में वह खुद को ही बेच रहा होता है। पुराने समय में युद्ध दास पाने के लिए किए जाते थे, लेकिन आजकल दासता थोपने के लिए लोगों को कर्ज दे देते हैं। लोग घर और जीवन तब तक सुंदर और मुक्त है जब तक कि मुखिया पर कोई कर्ज नहीं है। ऋण एक बंधन की जैसे होता है, यह वित्तीय दीमक की तरह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और नष्ट करता जाता है। ऋण एक स्वतंत्रता सुखी व्यक्ति को एक कड़वे इंसान में बदल सकता है। माइकल मिहालिक के द्वारा लिखे गए, जब कोई ईएमआई पर लोन लेता है तो उसके लिए महीने छोटे और वर्ष लंबे बन जाते हैं। जो उधार लेता है वह बिल्कुल ही दुखी होता है। यहाँ याद रखने लायक एक विचार है, जो एक दिन में 5 रुपए कमाता है और खर्च 7 रुपए करता है तो उसका जीवन एक दुखी जीवन के बराबर हो जाता है। यह सच्चाई है कि जो आदमी अपने बिलों का समय पर भुगतान करता है उसे जल्द ही भुला दिया जाता है। ऋण बच्चों की तरह होते हैं, वे जितने छोटे होते हैं उतना ही अधिक शोर करते हैं। लेने वाले से ज्यादा देने वाला दुखी होता है। क्रेडिट से खरीदना नशे में धुत होने जैसा है। कुछ भी खरीदो आपकी चर्चा तुरंत होगी, लेकिन आपको हैंगओवर अगले दिन आएगा। कुछ लोग कर्ज में डूबने के लिए अपनी सरलता का आधा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और आधा हिस्सा उसके भुगतान से बचने के लिए करते हैं। किसी दोस्त से पैसे उधार लेने से पहले यह तय करें कि आप किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दोस्त की या पैसों की। आप कर्ज में डूबने जा रहे हो या उससे कभी उधार पाओगी, यह पूरी तरह आपको उस कारण पर निर्भर करता है कि आपने कर्ज क्यों लिया है। अगर आप कर्ज खुशी से अपने काम को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो शायद आप कर्ज को चुकता कर पाओगे। लेकिन अच्छा समय वह होता है जब लोग पूरे समय में चुकाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके पास कोई कर्ज नहीं है, अच्छा विवेकशील है, उस इंसान से खुशहाल और कोई हो ही नहीं सकता है। एक इंसान जिसने पहले से ही कर्ज ले रखा है और जब उस पर कोई मुश्किल आती है तो वह बर्बाद हो जाता है। हम सभी सोचते हैं हम कर्ज से बाहर निकलने जा रहे हैं, लेकिन सच है कि हम कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुछ इंसान जो कर्ज लेते वक्त
चुकाने का वादा करते हैं वह वादा भी कर्ज में चला जाता है। अगर कोई भी किसी स्टाम्प पर हस्ताक्षर करता है और किसी के कर्ज लेने पर गवाह बनता है तो यह उसका एक गलत है और पछतावे जैसा निर्णय बिल्कुल हो सकता है। निशुल्क केवल ईश्वर से ही मांग सकते हैं, बाकी सब जगहों पर आपको भुगतान करना होगा। कुछ लोग अपने कर्ज में वृद्धि करने के बजाय रात के खाने के बजाय बिस्तर पर जाना बिल्कुल पसंद करते हैं। कर्ज में डूबने पर आप कर्ज दाता के गुलाम बन जाते हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है, अगर ब्याज न ले तो लोग देने का नाम ही नहीं लेंगे, अगर ब्याज ले ले तो ब्याज के हर पैसे के पीछे उनका दुख जुड़ा होता है। एक कर्ज के बाद दूसरा कर्ज लेना सब कुछ बर्बाद देना है। मेरी कमाई मेरा पैसा, वाह क्या मस्त शब्द है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।